भैया जैसे मान लीजिए आज रिपोर्ट तीन घंटे के बाद मिलेगा, जैसे आज एक्सरे होगा तो कितने घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगा? 24 घंटे के बाद। तो 3 दिन हो गया एक्सरे कराए हुए, 4 बजे के बाद रिपोर्ट है, 3 दिन का रिपोर्ट, 4 दिन में रिपोर्ट मिलता है, और 24 आज का रिपोर्ट 24 घंटे के बाद मिलता है। हमने मेडिकल में यहाँ पाया हुआ है आज जब से एक्सरे डिपार्टमेंट, और उसमें 3 घंटे का रिपोर्ट बनता है। जहाँ भी जितना भी हम तो प्रूफ आ गए यहाँ देख लीजिए, तो मतलब आज का रिपोर्ट है आपको मिलेगा 24 घंटे के बाद, और 3 दिन का रिपोर्ट है शाम को मिलेगा। कहीं लिखा हुआ है हम 2 बजे आए, डॉक्टर चला जाएगा 2 बजे उठकर, और तीनों का ड्यूटी खत्म होता है और दूसरे आएंगे वो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। तो ये है गोपालगंज का एक्सरे डिपार्ट है। एक्सरे इन्होंने कराया था और एक्सरे 3 दिन हो गया है, इनको रिपोर्ट चाहिए था तो रिपोर्ट मिला नहीं, बोल रहे हैं कि शाम को रिपोर्ट मिलेगा, और आज का जो एक्सरे का आएगा 24 घंटे के बाद में, तो जो 3 दिन का रिपोर्ट है वो शाम को क्यों रिपोर्ट मिलेगा हमको? डॉक्टर शाम तक ले 4 बजे रहते नहीं है पूरे गोपालगंज में, कोई भी डॉक्टर ऑर्थो का है चले जाते हैं, जितने भी डॉक्टर उन लोगों का ड्यूटी खत्म हो जाता है। तो फिर हम दिखाएंगे किस डॉक्टर से, जो ऑर्थो वाले डॉक्टर है वो अपना ड्यूटी खत्म करके चल जाएंगे। ये गोपालगंज के जितने मतलब ये दशा है देख लीजिए, और यहाँ पे मतलब प्रॉपर काम भी नहीं हो रहा है, यहाँ इतने पेशेंट बैठे हुए हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और प्रॉपर रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। आप लोग का क्या विचार है? देखिए गोपालगंज का जो सिचुएशन आप लोग देख ही रहे हैं, ठावे का रिपोर्ट आप लोग सुने ही हैं, सासा मुसा की रिपोर्ट आप लोग देखे किए हैं, कौन सा हाल चल रहा है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से भी और जनता से भी आप लोग इसको न्याय दिलाया जाए कि क्यों इतना हो रहा है। बिहार गोपालगंज जिले का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में हमने एक्सरे डिपार्टमेंट गया हुआ था पेशेंट को लेकर, एक्सरे में भी 3-4 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद से हमने कहा कि रिपोर्ट कब मिलेगा, तो बोल रहे हैं शाम को मिलेगा, 24 घंटे के बाद मिलेगा। जब 24 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगा तो फिर हम दिखाएंगे किस डॉक्टर से, उनका तो ड्यूटी ओवर हो जाएगा, फिर हमको कल आना पड़ेगा। अब पता नहीं, वो लोग श्योर भी नहीं किए कि कल आपको रिपोर्ट मिलेगा। एक दूसरा पेशेंट, उनको 3 दिन हो गया था तो उन्होंने अपना रिपोर्ट मांगा था, बोल रहे हैं शाम को मिलेगा। ठीक है, उनका जब शाम को मिलेगा, 3 दिन का रिपोर्ट शाम को मिलेगा, तो फिर वो दिखाएंगे किससे। पेशेंट को राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि वो अपना जो भी मेडिसिन है जो भी लिखा वो जाने। तो जब मैं भी पारामेडिकल स्टूडेंट हूँ, इस डिपार्टमेंट जाते हैं तो देखते हैं कि रिपोर्ट रहता है 3 घंटे या 2 घंटे के अंदर में, मैक्सिमम टाइम में आ जाता है, मगर यहाँ पर रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा है और बोला जा रहा है कि शाम को मिलेगा, जो भी करना है कर लीजिए। आप लोग उनसे बात किया, मैं स्टाफ से देख सकते हैं। तो ये हमारे ज़िले का हाल है तेजस्वी यादव जी का। मैं चाहता हूँ अपने DM से भी इस पर जाँच किया जाए कि ये लोग प्रॉपर क्यों नहीं रिपोर्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट नहीं रहेगा तो कैसे कोई डॉक्टर दवा लिखेगा, हम ये भी जानना चाहते हैं। बिना रिपोर्ट का कैसे वो लोग दवा लिख देंगे एक्सरे देख के? ये तो इंटरनल मैटर है, मगर हम मैं जाना चाहूँगा DM साहब से। आप लोग भी, जनता लोग, अवेयरनेस। थैंक यू।